टीम इंडिया से बाहर होने पर आईपीएल फ्रेंचाइजी ने भी छोड़ा था साथ, फिर धोनी ने ऐसे बदली रहाने की किस्मत। अजिंक्य रहाणे एक समय विराट कोहली के बाद कैप्टन बनने के दौर में सबसे आगे थे, लेकिन कुछ खराब पारी ने उन्हें टीम से ही बाहर कर दिया। रहाणे ने धोनी के साथ रहकर खुद को मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत किया है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच इंग्लैंड के ओवल में खेला जा रहा। मैच के तीसरे दिन फ्राइडे को टीम इंडिया के अनुभवी बैट्समैन अजिंक्य रहाणे ने शानदार अर्धशतक लगाया। पिछले साल टीम से बाहर होने वाले इस बैट्समैन ने वापसी करते हुए 89 रनों की लाजवाब पारी खेली। रहाणे ने भारत को संकट से बाहर निकालने का काम किया है। उन्होंने 129 गेंदों में 89 रन बनाए। इस दौरान 11 चौके और एक छक्के भी उन्होंने लगाए। अजिंक्य रहाणे जब बैटिंग करने के लिए उतरे थे तो उनके अंगूठे में चोट लग गई थी। वह अंगूठे में पट्टी लगाकर बैटिंग कर रहे थे। रहाणे ने चोट के बावजूद खेलना जारी रखा और टीम इंडिया को मुश्किल से बाहर निकाला। उन्होंने आईपीएल फिनाले के बाद कहा था कि उनका बेस्ट परफॉर्मेंस अभी आना बाकी है। अजिंक्य रहाणे ने 16 महीने के बाद टेस्ट क्रिकेट में हाफ सेंचुरी जमाई है। उन्होंने पिछली बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ जनवरी 2022 में अर्धशतकीय पारी खेली थी। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 5000 रन भी पूरे कर लिए। रहाणे ऐसा करने वाले भारत के 13वें बल्लेबाज बने हैं। मौजूदा टीम में उनके अलावा विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा ऐसा पहले कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली क्रिकेट अपडेट से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।